परम उपकारी वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रवण की चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ श्रावक अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन जब उनसे कहो कि भैया थोड़ी से चारित्र के मार्ग में या व्रत प्रतिमाएँ ले लो, तो वो जो कहते कि दीदी अभी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो मतलब कितने सालों हो गए उनको स्वाध्याय करते, सब क्रियाएं करते हुए, लेकिन कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उनके लिए कैसे क्या? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो सोच रहे हैं उनको कभी सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन कोई बाजारू वस्तु नहीं है, कोई कोर्स नहीं है कि इतना कोर्स करने के बाद सम्यक दर्शन हो जाए। जैसे कोई लोग कहते ना कि भाई इतना करो तो बीए हो जाओगे, इतना करो तो एमए हो जाओगे, तो ऐसा सम्यक दर्शन का कोई कोर्स नहीं है कि कब प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही प्राप्त हो जाता है, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो पूर्व कोटि वर्ष तक भी प्राप्त नहीं होता। तो सम्यक दर्शन जो ऐसा कह रहे हैं प्राप्त करना है, वो बहुत बड़ी अज्ञानता कर रहे हैं, उनको सम्यक दर्शन हो गई नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है क्या? सम्यक दर्शन तो एक क्षण में प्रकट होता है, कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है? कोई कॉलेज हो सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का, कोई स्कूल हो, कोई ग्रंथ हो कि ये ग्रंथ पढ़ने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई ग्रंथ बताओ जिसके पढ़ने से नियम से सम्यक दर्शन होता है, कोई मूर्ति बताओ जिसके पढ़ने से नियम से सम्यक दर्शन होता है। अरे ऐसे ऐसे लोग हुए सम्यक दर्शन में जिनको जाति स्मरण मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है, नरकों में भी सम्यक दर्शन हो जाता है, त्रियंशों को भी हो जाता है। अब त्रियंश कौन सा प्रसाद करे कि सम्यक दर्शन हो जाए? सम्यक दर्शन के लिए कुछ नहीं करना, अपनी कसायों पर विजय प्राप्त करना है और सच्चे देव साध गुरु की पहचान करना है। ये दो कारण जिसके पास हो गए, सम्यक दर्शन तो कभी भी तुरंत हो जाता है, तो इससे उनकी अज्ञानता है, ये वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और चारित्र जो है दो प्रकार का, सम्यक दर्शन मूलक है तो ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा मालूम है कि मिथ्या दृष्टि है तो भी चारित्र अंगीकार करो, क्योंकि चारित्र एक ऐसी चीज है जो चाहे मिथ्या दृष्टि धारण करे चाहे सम्यक दृष्टि धारण करे, हानि तो कुछ है ही नहीं। अभी एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, किसी ने कहा महाराज जी यदि किसी के भाव पूर्वक चारित्र नहीं है तो, सम्यक दर्शन नहीं है तो मैंने कहा एक फायदा है, उसको फायदा होवे नहीं होवे लेकिन एक जीव के तो प्राण बच गए, उसकी जिंदगी तो बच गई, क्योंकि उसने नियम लिया कि मैं जीव को नहीं मारूंगा, देख के चलूंगा, ईरिया समिति है और वो ईरिया समिति में वो अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन नहीं है। तो मैंने कहा उसको फायदा है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानूंगा, लेकिन उसके नियम लेने से, देख के चलने के नियम से एक चीड़ी की जिंदगी बच गई। कम से कम पर को तो फायदा है ही, संयम धारण करने से पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा कि यदि द्रव्य व्रत भी धारण करते हैं, सम्यक दर्शन से रहित भी व्रत धारण करते हैं, तो धूप से छाया भली, नरकों से स्वर्ग भला, कम से कम स्वर्ग में जाने के बाद कम से कम विधेय क्षेत्र तो जा सकेंगे, कम से कम विधेय क्षेत्र में भगवान का समोषण तो सुन सकेंगे, कम से कम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना तो कर सकेंगे, कम से कम भगवान के पंच कल्याणक तो मना सकेंगे, कम से कम नंदीश्वर द्वीप में अष्टांग का पर्व में जा तो सकेंगे। संयम, द्रव्य संयम की बात कर रहा हूँ, सम्यक दर्शन के बिना जो द्रव्य संयम है उसके कितने फायदे हैं, और संयम धारण नहीं किया, असंयम के साथ नरकों में पड़े तो ना भगवान के दर्शन है ना चैत्यालय है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो लोग ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत बेकार है, ठीक है सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत होना चाहिए, लेकिन मान लो जो कुछ जाते नहीं है तो भी सम्यक दर्शन से रहित व्रतों के लिए उनको इष्टोपदेश पढ़ना चाहिए और पूज्यपाद स्वामी की भावना को समझना चाहिए।